मेरा मोबाइल घूम गया, मेरा मोबाइल में प्रोटेक्शन नहीं है, मुझे एंटीवायरस की जरूरत है। अब मैं मेरा मोबाइल घूमने के बाद मैं कैसे सर्च करूं? ये कब पता चलता है? ये तब पता चलता है जब आपका मोबाइल घूम चुका होता है। ये दिमाग में तब आता है जब हमारा मोबाइल मिसप्लेस हो चुका होता है। तो क्यों नहीं हम इस सेटिंग को पूरी तरह से ऑन कर लें? हाँ हाँ, मैं इस सेटिंग की तरफ ही ले जा रहा हूं आपको, और इस वीडियो को आप बड़ी ध्यान से इत्मीनान से सुनना। अगर ये सेटिंग स्टार्ट कर ली ना आपने, तो आपका मोबाइल प्रोटेक्ट हो जाएगा, आपका डिवाइस भी प्रोटेक्ट हो जाएगा, सारी चीजें प्रोटेक्ट हो जाएंगी। इस सेटिंग में यह है कि सर्च माय डिवाइस, फाइंड माय डिवाइस, ये सेटिंग में दे रखा है। गूगल प्रोटेक्ट दे रखा है जो एंटीवायरस का काम करता है। तो इस सेटिंग में मैं पूरा बताने वाला हूं, आपका मोबाइल अगर घूम जाए तो आप आपकी रजिस्टर्ड आईडी से इसे सर्च कर सकते हैं, साथ ही उसे उसके डाटा को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग में आपको सहूलियत दी हुई है, अगर ये सेटिंग आप स्टार्ट कर देते हैं तो मैं सेटिंग की तरफ ले जाता हूं, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आपको ये सेटिंग किस तरीके से कैसे करनी चाहिए, तो चलते हैं हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, जहां पर हमें मिलेगा सेटिंग ऑप्शन। सेटिंग में जाएंगे, फिर हमें जाना होगा यहां पर गूगल सेटिंग के अंदर। गूगल सेटिंग के अंदर जैसे जाना होगा, उसके अंदर आपको जाना होगा सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर। सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे, फाइंड माई डिवाइस, सिक्योरिटी स्टेटस। सबसे पहले हम जाएंगे सिक्योरिटी फाइंड माई डिवाइस के अंदर। फाइंड माई डिवाइस के अंदर मैंने ऑन कर रखा है, जिसमें ये तीनों ऑप्शन स्टार्ट हैं, फाइंड माई डिवाइस, वेब, गूगल। इसे आपके मोबाइल में अगर ऑन करना है तो आप इस तरीके से इसे ऑन कर सकते हैं। मैंने तो इसे पहले से ही ऑन रखा था। अब इसे ऑन करने से क्या फायदा है? अब फाइंड माई डिवाइस, फाइंड माई डिवाइस के अंदर जाएंगे तो यहां पर एक एप्लीकेशन की तरफ ले जाएगा। इसे आप चाहे तो लोड कर सकते हैं, इससे आप सर्च कर सकते हैं। मैंने इसे लोड नहीं कर रखा है, डाउनलोड नहीं कर रखा है। वेब में जाएंगे तो आप सीधे वेब पर पहुंच जाएंगे, जो आपका ईमेल एड्रेस है, वहां से आप इसे सारा सर्च कर सकते हैं। आप गूगल ऑप्शन में जाएंगे तो आपका ये गूगल ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आप लोकेट कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन एक्टिव रहेंगे। अब हम यहां से बाहर निकल जाते हैं और गूगल प्ले प्रोटेक्शन के अंदर चले जाते हैं। इसे मैंने पूरे तरह से इसे ऑन कर रखा है। गूगल प्ले प्रोटेक्शन होता क्या है? सभी जनों ने यह कहते हैं, सभी जने ये पूछते हैं मुझसे कि हमारे मोबाइल में एंटीवायरस तो डाल दे, हमारे मोबाइल में एंटीवायरस होना चाहिए ताकि कुछ खराब या जंक फाइल नहीं आए। तो पहले मैं बता दूं, मोबाइल में एंटीवायरस काम नहीं करता। जिस भी मोबाइल में एंड्रॉयड वर्जन है, वो एंड्रॉयड वर्जन के अंदर गूगल प्ले प्रोटेक्शन एंड्रॉयड में आता ही है। तो ये एंटीवायरस ही है गूगल प्ले प्रोटेक्शन। आप उसे चाहें तो उसे एक्टिव कर सकते हैं, जिससे कि आप प्रोटेक्शन में रहेंगे पूरी तरह से, और पूरी तरह से आप इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको इसे ऑन कर देना चाहिए। अगर ये सेटिंग आपके मोबाइल में नहीं की हुई हो, तो मेरा वीडियो देख करके आप उसे तुरंत सेटिंग में जाकर के उसे सेटिंग पे ले लीजिए। इसमें नजरअंदाज मत कीजिए, ये सेटिंग आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, तो यार रेड बटन को दबा करके, डोर बेल को दबा करके आप एक्टिव कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।